हे गाइस यार, वेलकम बैक। की हाल चाल तो कैसे हो आप लोग? आप लोग डिस्कस करते हैं एक बार आगे का पार्ट अपना, ठीक है? तो लास्ट पार्ट में हमने एलगी देख लिया था, एलगी के अंदर स्टोरेज देख लिया था, न्यूट्रिशन देख लिया था उसका, सॉरी न्यूट्रिशन कह रहा भाई, स्टोरेज देख लिया था, उसके पिगमेंट्स कौन से होते वो चेक कर लिया था हमने, और भाई जो भी चीजें थी यार कल आपने देखा हुआ, ठीक है? लास्ट वाला पार्ट नहीं था तो चेक कर सकते हो। इस पार्ट में रिप्रोडक्शन इन एलगी देखने वाले हैं, ठीक है? तो एलगी बेसिकली देखो होगा क्या, ठीक है? पहले मैं क्लियर करता हूँ, एलगी में अगर क्लासीफाई कर तो तीन एलगी होते हैं, रोडोफाइसी, फाइकोफाइसी और एक हमारा ब्राउन होगा, ठीक है? ग्रीन वाला, ठीक है? क्लोरोफाइसी, सॉरी, ठीक है? रोडोफाइसी रेड और फाइकोफाइसी ब्राउन और ग्रीन क्लोरोफाइसी, ठीक ना? क्लोरो ग्रीन यूज होता है, ठीक है? तो इस पार्ट में वो देखो ये देख सकते हैं अलग अलग, पहले हम लोग एक तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन होता है सभी एल्गीज में होता है, सभी टाइप का होता है, ठीक है? यूनिसेलुलर है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है? पॉसिबल ही नहीं भाई फ्रेगमेंटेशन यूनिसेलुलर के अंदर। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है भाई? पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है? दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन से सेक्सुअल होगा तो किससे? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है? ये चीज आपको बताना चाहिए। और रेड एल्गी जो है इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, रेड एल्गी के अंदर कोई भी फ्लैजेला उसके अंदर नॉन फ्लैजेलेट होता है, चाहे उसके गैमेट उठा लो चाहे रेड एल्गी को खुद को उठा लो, अगर मैं फायर पॉलीसाइफोन या जिलेडियम बेस ये चार उठा लेता हूं भाई, नाइन के मतलब नाइन का मेल गैमेट मोटाइल होता है, ठीक है? और फीमेल तो यू भी नहीं होना है भाई, ठीक है? ओवेरी हो गया, ओवा हो गया, ठीक है? जो भी है, ठीक है? इस केस में बोल सकते हो, ठीक है? और दूसरा आपको याद रखना यार कि वही, ठीक है? यूनिसेलुलर वाले, ठीक है? तो यार डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रेगमेंटेशन पे जाते हैं, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होगा? तो यहां मेरा भाई मार्कर है, ठीक है? देखो फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर हो सकता है भाई, ठीक है? मान लेते हैं हम लोग एलगी है, तो पहले तो आप एक्सेप्शन लिख लो, ठीक है? पहले आप एक्सेप्शन लिख लो कि क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास जो भी है भाई, ठीक है? और हमारा एक आएगा क्लोरेला, ठीक ना? ये क्लोरेला जिसमें ये मोटाइल होता है हमारा, ठीक है? ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, आपने पढ़ा होगा, ये मोटाइल होता है, क्लोरेला मोटाइल नहीं होता है, ठीक है? और एक हमारा लिख देता है वॉल्वॉक्स, ठीक है? वॉल्वॉक्स होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में ढेर सारे ऐसे रहते हैं, ठीक है? ढेर सारे ऐसे कॉलोनी में रहते हैं, तो इन तीनों के अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है? सीधी बात कहता हूँ, इन तीनों में एक्सेप्शन होता है और यही से क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको इतना रखना है। बाकी आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा भाई, क्या होता है? मेन प्लांट जो होता है हमारा, ठीक है? गैमेटोफाइट एल्गी के इसमें बोल सकते हो, वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है? ब्रेक करेगा तो क्या होगा, नए स्पोर्स बन जाएंगे, क्योंकि एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है? तो कोई भी अगर हम लोग लाइफ साइकिल ड्रॉ करें, चाहे सेक्सुअल का चाहे असेक्सुअल का, तो हम लोग स्टार्ट वहीं से करेंगे। तो ये तीन होता है जिनके अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, इनको छोड़कर भाई जनरली सभी में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है? एक चीज आपको और याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन अगर स्पायरोगैरा में हो रहा है तो उस कंडीशन में स्पायरोगैरा क्या होता है? अनब्रांच होता है, ठीक है? फिलामेंटस तो होता है, यानी कि ऐसे बड़े बड़े फिलामेंटस तो फिलामेंट तो होंगे, बट उसके अंदर ऐसी ब्रांचिंग नहीं होगी स्पायरोगैरा के अंदर, ठीक है? तो ये चीज आप देख सकते हो। और दूसरा जो होता है उसके अंदर वो जो होता है उसका जो असेक्सुअल स्पोर होता है वो आइसोगैमस होता है, ठीक है? असेक्सुअल स्पोर जो होता है वो आइसोगैमस होता है, ठीक है? यानी दोनों का साइज, दोनों स्पोर जो उसके, यानी कि जितने भी उसका दो स्पोर ऐसे बनना है तो दोनों सिमेट्रिकल साइज के बनते हैं, ठीक है? इतना पार्ट आपको इसमें क्लियर रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरफ पे, ठीक है? असेक्सुअल की तरफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये एक वेजिटेटिव पार्ट है इसका, वेजिटेटिव यानी कि इसका पार्टी को टूट करके रिप्रोड्यूस कर जाए। अब असेक्सुअल हम लोग गैमेट स्पोर फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल मोड में देख लेंगे। और यार आपको एक डाउट आ रहा है इसमें, ठीक है? कि अगर इसमें मान लो ये तीनों में तो एब्सेंट होता है फ्रेगमेंटेशन, तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? इनके अंदर भाई सिंपली कुछ नहीं देखने को मिलता है, वो होता है एक सेकंड भाई, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है? क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, ईस्ट के अंदर भी बनता है, ठीक है? ईस्ट के अंदर भी, ईस्ट के अंदर भी फ्यूजन होता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा तो वो भी बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है, चाहे आप क्लोरोप्लास्ट उठा लो जो ऑर्गेनेल होता है वो भी बाइनरी फ्यूजन से टूटते हैं। सेम उसी कंडीशन में भाई एक ये है, इसका बाइनरी फ्यूजन है, इसे दो बन जाएंगे ऐसे, इसके दो बन जाएंगे ऐसे, जो भी है भाई बना लेना इसको, ठीक है? इसके भाई इसके भी दो बन जाएंगे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है? बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब हम लोग सीधे चलते हैं असेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन इन एलगी पे, ठीक है भाई? मेरा डस्टर देखो यार, सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं गेमेटोफाइट, ठीक है? एक मान लिया आप मैंने एलगी बना रखा है, ये इसका क्या है? गेमेटोफाइट है। तो गेमेटोफाइट वो स्टेज होता है यार जिस कंडीशन में मोस्टली हैप्लोइड प्लांट दिखते हैं, ठीक है? तो गेमेटोफाइट है, ठीक है? थोड़ा इसको सेपरेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है? अब देख सकते हो इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक ना? होगा क्या? कुछ नहीं यार, ठीक है? होगा क्या इसमें? सिंपली कुछ नहीं होगा, ठीक है? जो ये गेमेटोफाइट है ये एन होता है, हैप्लोइड होता है तो एन होगा, ठीक है? इसका सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर अंदर ही माइटोसिस होता है, ठीक है? माइटोसिस होता है, इसके अंदर अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई आगे सेल बनाने अंदर, ठीक है? तो माइटोसिस कंटिन्यू रहता है उसके अंदर। तो जब इसके अंदर माइटोसिस बन जाएगा, एन होता है, एन होता है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, आप इसको थोड़ा और मैं जूम कर दूंगा, तो इसके अंदर देखने को आपको लगेंगे क्या, ये स्पोर्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? अंदर ही होता है, ठीक है? अंदर ही होता है, उसके एलगी के एक सेल के अंदर ही बन जाते हैं। सेल को यार कंपार्टमेंट कह सकते हो, ठीक है? उसके अंदर ही ये देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है? स्पोर्स भी कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं, ठीक है? क्योंकि मेनली प्लांट जो होता है वो यही होता है, ठीक है? डिप्लोइड से बहुत कम विजिबल होता है।
तो अब आपको इसमें एक चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि स्पोर और गैमेट में डिफरेंस क्या है। देखो गैमेट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है, और दो गैमेट का फर्टिलाइजेशन होकर के एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, जबकि स्पोर जो होते हैं वो असेक्सुअल मोड में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक ही प्लांट एक ही पेरेंट से वो प्रोड्यूस हो जाते हैं स्पोर, ठीक है। स्पोर जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली कहीं पे जर्मिनेट कर जाएगा स्पोर और वहां से एक नया पूरा बॉडी बना देगा। तो सेम हम लोग असेक्सुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्पोर बने गए, ठीक है। तो ये क्या होंगे स्पोर, और इन स्पोर को क्या बोलते हैं, जू स्पोर, ठीक है, जू स्पोर और अप्लैनो स्पोर। आपने अगर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ा तो उसमें जू स्पोर और अप्लैनो स्पोर देखने को मिलते हैं। तो जू स्पोर बनते किसमें, तो इस बॉडी को जो बोलते हैं हम लोग, इस कवरअप को बोलते हैं हम लोग जू स्पोरेंजियम, ठीक है, जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम, ठीक है। सिंपली अब होगा कि यार एक स्पोर को मैं बाहर अगर निकाल लू, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो, तो ये क्या होता है मोटाई होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, सिंपली तो मोटाई हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, हैप्लोइड होता है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है, हैप्लोइड रहता है। अब भाई असेक्सुअल कंडीशन में डिप्लॉइड हैप्लोइड की बात नहीं करते हैं, बट ये होते सब हैप्लोइड है, ठीक है, इसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। डिप्लॉइड कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ दो कंपोजिशन हुआ था, दो सेल्स का कंपोजिशन हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली यार ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट बना देगा, ठीक है। तो ये इसका असेक्सुअल मोड, आओ हम लोग सेक्सुअल पर चलते हैं, ठीक है। हाँ याद रखना आपको, वेजिटेटिव में दो होता है, एक तो बाइनरी फ्यूजन होता है, एक हमारा फिलामेंट, एक हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन तीन के अंदर नहीं होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा वो तीन के अंदर होगा, ठीक है, जो जो कि यूनिसेलुलर वाले हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन में जनरली सभी आ जाता है, ठीक है, इसका एनसीईआरटी में कोई मेंशन नहीं है, तो भाई क्यों ही फालतू पढ़ना, ना मैंने पढ़ा है ना मुझे पता है, ठीक है, सो सॉरी। और ना ही एनसीआर साइड बुक में दे रखा हुआ, ठीक है, अगर आप नीट लेवल की कोई भी बुक साइड बुक खरीदते हो, कोई कोचिंग मॉड्यूल, उसमें भी नहीं दे रखा हुआ, ठीक है। हाँ स्पेसिफाई कर देगा कि ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, रेड एलगी, डायरेक्ट लिख देगा, होते हैं, ठीक है, आप सेक्सुअल चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेंशन करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलगी, ठीक है, एलगी, ठीक है। देखो सबसे पहले एलगी है तो दो पेरेंट बॉडी चाहिए, ठीक है, इसमें मेल फीमेल पर मत जाना भाई, ठीक है, अब इतने छोटे लेवल पे क्या ही चले जाओगे इसमें, ठीक है। तो मैं ऐसे दो गैमेटोफाइट बनाता हूँ, मेनली मोटी का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि जो होता है नए स्पीसीज क्रिएट करना। तो यहाँ पे नई स्पीसीज कैसे क्रिएट होगा, सिंगल से तो डीएनए म्यूटेशन हो नहीं सकता इतनी जल्दी से, तो दो स्पीसीज होता है, इनके दोनों जीन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, और एक नई स्पीसीज बन जाएगी, नई स्पीसीज नहीं भाई सॉरी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, यानी कि थोड़ा चेंज हो जाएगा उनके जनरेशन में, तो वही मेन होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आना, ठीक है, तो वेरिएशन यहाँ से आ जाता है वो, इसलिए दो चाहिए होता है। तो ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर हो जाता है, यहीं से स्टार्टिंग होगी। क्यों स्टार्टिंग क्यों यहाँ से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये हैप्लोइड प्लांट, अगर ये डिप्लॉइड होता, मान लो कि अगर कोई टेरिडोफाइट होता या फिर जिम्नोस्पर्म होता, एंजियोस्पर्म होता, तो हम लोग स्टार्टिंग इसकी कहाँ से करते, स्टार्टिंग जो करते हम लोग वो हम लोग गैमेटोफाइट से नहीं स्पोरोफाइट से करते, बट अगर ब्रायोफाइट है और एल्गी है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इसके गैमेटोफाइट से, कुछ भी बनाना हो, तो एन है दोनों से क्या बनेंगे, सबसे पहले गैमेट बनेंगे, ठीक है। यहाँ मैं गैमेट बनाता हूँ, ये एरो यहाँ ना बना के, ओ भाई ये दो गैमेट बने, ठीक है, दो इधर मैं गैमेट बना देता हूँ सिंपली, ये पहला दूसरा एन, ये भी एन। अब इन दोनों गैमेट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, ठीक है ना, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, मेल एंड फीमेल भी कह सकते हैं, फिर दो गैमेट बोल दो, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका जायगोट, और जायगोट ध्यान रखना इधर ना आपको विजिबल हो, ठीक है, जायगोट जब भी बनता है, ठीक है, जायगोट जब भी बनता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जायगोट, ठीक है, जायगोट, ठीक है। अब इस जायगोट का क्या होगा, मियोसिस होगा, ध्यान रखना, अभी तक ये फर्टिलाइजेशन हुआ, अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ना जायगोट, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए दिखता है। अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट देखा हो तो आपको वहां से क्लियर होगा, तो मैंने बोला था यार कि बहुत कम समय के लिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स में इनका स्पोरोफाइट स्टेज देखने को मिलता है। हालांकि एल्गी जो है हैप्लोन्टिक होता है, ठीक है, हैप्लोन्टिक होता है और उसके साथ साथ हैप्लोइड भी होता है, तो उसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत लिमिटेड समय के लिए दिखता है, और वही वो जगह होता है भाई जो जायगोट होता है, यही एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं स्पोरोफाइट स्टेज होता है, स्पोरोफाइट यही है, ठीक है, यही टू एन स्पोरोफाइट स्टेज होता है, बहुत एक डायरेक्ट, और इसकी मियोसिस से तुरंत यहाँ पे चार स्पोर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसकी मियोसिस से चार गैमेट, सॉरी भाई गैमेट बोल रहा है, इनकी मियोसिस से फिर ये चार आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनको हम लोग चार सेल्स सिंपली बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके जायगोट के मियोसिस से ये चार सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो सभी क्या होंगे, हैप्लोइड होते हैं, ठीक है, सभी क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। अगर आपने मियोसिस सेल साइकिल पढ़ा तो उसमें देखा होगा मियोसिस जब भी होता है तो चार अनआइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस है, अनआइडेंटिकल, अलग अलग, चारों के अंदर वेरिएशन होता है, ठीक है, किसी में भी सिमेट्रिकल क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ रहता है। अब इन चारों से क्या होगा भाई, इन चारों से माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस क्यों हो रहा है भाई, ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे यार डबल करना था, दोनों को फ्यूज करके एक कर रहा था, डबल किया एक भी कर दिया, अब एक करके फिर आधा आधा भी कर दिया, अब आधा आधा करके फिर थोड़ी आधा कर जाएंगे, तो सिंपली उस कंडीशन में इक्वेटोरियल डिवीजन होता है जिसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस होगा क्या, फिर से ये जो हमारा एन एन स्ट्रक्चर है ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रहा,
अब हम लोग देख लेते हैं टॉपिक कि क्या एल्गी में भी सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है, क्या एल्गी के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, होप यार आपको क्यूरियोसिटी लग रही है इसमें, बट कोई बात नहीं। कहाँ गया भाई डस्टर, ठीक है। देखो तो एनसीईआरटी में से कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है, बट हाँ अगर आप साइड बुक कभी प्रीफर करते हो तो उसमें आपको छोटा सा एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है ना, उसमें देख सकते हो आप कि हाँ इसमें भी बनने को देखने को मिलता है। जैसे अगर इससे आगे ब्रायोफाइट पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा आर्किगोनियम यूगोनियम, ये स्ट्रक्चर होता है जिसपे की गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, सेक्सुअल बॉडी पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक एल्गी बना दिया, ठीक है, मान लो थोड़ा सा स्लेंटिंग एल्गी है, वर्टिकल एल्गी है, ध्यान में देना इसमें, ठीक है, ऐसे एल्गी बना दी मैंने, तो इस पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये ऊपर हम लोग देखने को मिलेगा यूगोनियम जिसको बोलते हैं यूगोनियम, ठीक है, और इसके अंदर मिलेगा हम लोग को आर्थ्रोजॉइड, ठीक है, आर्थ्रोजॉइड इसके अंदर बनेंगे, एंथ्रीडियम, ठीक है, इसके अंदर क्या बनेंगे, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, यूगोनियम और एंथ्रीडियम नाम के दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली यूगोनियम हुआ था हमारा यही होता है क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और ये क्या होता है मेल सेक्स ऑर्गन, किस केस में, एल्गी के केस में, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करता है हमारा गैमेट, गैमेट, ठीक है, ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, ये ओवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये देखिए रखा है किसमें होता है, आप एक नाम इसमें याद ना भाई, कारा, जो कारा होता है ना भाई, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है, याद करो, क्लमाइडोमोनास फ्लोरेला क्लैडोफोरा कारा यूडोरिना यूलोथ्रिक्स वॉलवॉक्स स्पायरो वगैरह, उसी में से एक कारा है हमारा ये ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसके अंदर ये देखने को मिलता है। हाँ एक चीज पे क्वेश्चन भी आ रखा है शायद से बहुत कभी पहले 10-20 साल पहले, कि अगर प्रेजेंट होता है तो इनका होगा कहाँ, लोकेशन पूछ रखा है, तो ध्यान रखना यार जब भी प्रेजेंट होगा यूगोनियम जो है वो ऊपर प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, जब भी वाटर फर्टिलाइजेशन हो तो वाटर के मूवमेंट की वजह से ये जो ओवा है वो डायरेक्टली इसमें आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई कुछ भी थ्योरी कुछ भी बना दोगे, देखो यार ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा है तो है भाई नेचुरल, ठीक है, नहीं है तो है नहीं चुल रहे, हाँ बट इसमें क्वेश्चन आ रखा है कि यूगोनियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर एक साइड में होता है और उसके नीचे एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, जो भी रीजन होगा रीजन पर नहीं जाना है। तो ये चीज आई होप यार आपको समझ आएगा, आगे पार्ट में स्टार्ट करने वाले ब्रायोफाइट, ठीक, अच्छे से एकदम लेके चलेंगे ब्रायोफाइट को और क्या सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है। तो होप यार आपको समझ में आएगा, हाँ एक टॉपिक हमारे इसके अंदर छूट रहा है भाई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही छोड़ के मैं चला जा रहा हूँ। देखो जैसे स्पोर फॉर्मेशन में आपने देखा देखा होगा, स्पोर फॉर्मेशन में जू स्पोर बनते हैं, ठीक है, ऑफलाइन स्पोर बनते हैं, ऑफलाइन स्पोर जिनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता है, और जू स्पोर जिनके अंदर फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो गैमेट्स बनते हैं उनको भी तीन पार्ट्स में कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी, बाई साइज यार बोल सकते हैं कुछ भी, साइज के बेसिस बनते हैं, ठीक है। अगर आप साइज के बेसिस पे जाओगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाली है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रीन एल्गी, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये मैं ग्रीन एल्गी लिखता हूँ, ये मैं ब्राउन एल्गी लिखता हूँ, और मैं रेड एल्गी लिखता हूँ, ठीक है। अब देखना है ध्यान से देखना, यहाँ मैं लिखता हूँ आपका आइसोगैमस, आइसोगैमस यहाँ लिखता हूँ एन आइसोगैमस, और यहाँ लिखता हूँ यूगैमस, ध्यान देना भाई गाइस, ठीक है, यूगैमस। देखो आइसोगैमस में क्या होता है कि जो दो गैमेट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई गैमेट यहाँ पे ए बना दूं और ये बना दूं तो दोनों गैमेट्स आपको देखने में सिमिलर मॉर्फोलॉजी के दिखते हैं, भले एनाटॉमी कुछ भी उस समय हम यहाँ, बट हाँ मॉर्फोलॉजी सेम होता है, एनाटॉमी भी जस्ट सेम ही होता है मान सकते हो। तो इनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आइसोगैमस बोलने वाले हैं। एन आइसोगैमस के केस में एक बड़े साइज का होगा या फिर एक किसी और साइज का होगा, एक छोटे साइज का होगा, ठीक है। और देखो बट होंगे, हाँ दोनों होंगे लगभग लगभग सिमिलर दिखने वाले, बट साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। और यूगैमस में क्या होता है भाई, एक तो यहाँ पे फीमेल गैमेट कह सकते हैं, ठीक है, और एक मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल साइज का होता है, थोड़ा सा नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट सॉरी मोटाइल होता है, बट फीमेल गैमेट यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, ऐसा हर एक वाले में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यूगैमस जो है भाई आपको पता होना चाहिए, यूगैमस मोस्टली हम लोग रेड एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है, और ब्राउन एल्गी में भाई सब देखने को मिल जाता है, ठीक है, बट एनसीईआरटी में जो हमारा है वो केवल यूगैमस ही दे रखा है ब्राउन एल्गी में। इस चार्ट को हम एक बार जल्दी से फिलअप करके देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से एक चार्ट को हम लोग एक बार फिल कर लेते हैं। देखो आइसोगैमस में जाओगे तो यही से भाई पी वाई क्यू हर चांसेस पे आते हैं, पी वाई क्यू जो है यही से आएगा, ठीक है, ध्यान देना। यूगैमस में नॉन मोटाई, नॉन मोटाई, और यहाँ पे देगा आइसोगैमस में एक देगा आपको मोटाई, ठीक है, ध्यान रखना। कभी भी अगर स्पायरो वगैरह के अंदर स्पोर कर रहा भाई गैमेट्स बन रहे हैं तो गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है क्यों हमारा स्पायरो वगैरह जो होता है नॉन फिलामेंटस के साथ साथ, देखो हाँ नॉन फिलामेंटस होता है, ठीक है, सॉरी फिलामेंटस तो होता है बट अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और उसका जो गैमेट होता है नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ से दो बार पी वाई क्यू आ चुका है, आप चेक कर सकते हो, 2015 और कुछ 2020 में भी आया, अपडेट यार क्लियर याद नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप लिख लो यार स्पायरो वगैरह होता है, ठीक है, स्पायरो वगैरह यार बहुत कॉमन है यार, हम लोग का जनरल वाटर में मिल जाता है पॉन्ड वगैरह में, ठीक है। और बाकी केस में आप देखोगे तो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो एक है क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास, एक क्लैडोफोरा है
और एक आपका इसमें यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, एक आपका क्या है यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, ये तीन एग्जांपल हैं यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, ये तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या बार पूछा भाई, तो आप इसको ध्यान दे सकते हो। एन आइसोगेमस में आपको क्या देखने को मिली, एन आइसोगेमस में तो एन आइसोगेमस में जो भाई एनसीईआरटी में हमारा दे रखा है वो सिंपली यूडोरिना है, ये नया नया भाई ताजा एग्जांपल है, ताजा एग्जांपल एकदम यूडोरिना। और इसके अंदर ओगेमस में एक आपको वॉल्वॉक्स देखने को मिला, ध्यान रखो भाई, जब हमने स्टार्टिंग में वहां पे पहले पैटर्न बनाया था तो उसमें बताया तेरे कोलोनियल तो होते हैं बट हाँ ये मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल दिखते हैं, तो इनके गैमेट्स भी जनरली मोटाइल ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वॉल्वॉक्स आ जाता है। अब इस केस में ब्राउन लिली के अंदर में आओगे तो आपको आइसोगेमस देखने को मिलता है, एन आइसोगेमस भी देखने को मिलता है, बट ओगेमस जो हमारा है वो क्या होता है, वहां पे एक नाम दे रखा है भाई, दो का नाम नहीं दिया है, एन आइसोगेमस और आइसोगेमस में मेंशन नहीं है, बट हाँ लिखा है जरूर कि होता है इनमें, बट ओगेमस में एक नाम ऐड कर दिया भाई, जिसको हम लोग फ्यूकस बोलते हैं, ध्यान रखना ये डिप्लोंटिक होता है, ये डिप्लोंटिक एल्गी है, बाकी सभी हैप्लोंटिक होता है बट ये डिप्लोंटिक है, ठीक है, बाकी के यूडोरिना और यूडोरिना केल्प और एक और है भाई नाम क्लियर याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो जो हमारा होता है हैप्लोडिप्लोंटिक होता है, बाकी सभी एल्गी हैप्लोंटिक होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है उसमें से, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया केल्प और पॉलीसाइफोनिया केल्प और एक को यार छूट रहा है, ठीक है, सो सॉरी, हाँ इसमें आपको दे रखा है रेड एल्गी में जो पूरे होते हैं वो ये नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते हैं, बाकी के सभी इसमें आते हैं, यानी कि रेड एल्गी जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे ओगेमस होते हैं, ठीक है, होप सो यार आपको ये पार्ट विजिबल हो, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो भाई तो कोई दिक्कत नहीं यार, तो इसी के साथ क्विट करते हैं भाई, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ग्रेट ब्रो।